नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल में जिसका नाम है फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम जिस वर्ड की मीनिंग देखने वाले हैं, आज का हमारा ये वर्ड है कार्सिनोजेनिसिटी। ये जो वर्ड है कार्सिनोजेनिसिटी, वो मुख्य रूप से दो वर्डों को मिलाकर के बनाया गया है। पहला है कार्सिनोजन और दूसरा है जेनिसिटी। तो इन दोनों का क्या मतलब होता है शाब्दिक अर्थ? कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस या कार्सिनोजन कहने का मतलब ऐसे उन एजेंट से है, ऐसे उन केमिकल मॉलिक्यूल से है जो कि बॉडी में अगर आपके एंटर करते हैं तो ये आपकी बॉडी में कैंसर को कॉज करने की एबिलिटी रखते हैं। तो सिंपल सा यू कहा जाए कि ऐसे एजेंट जो कैंसर को कॉज कर सके, ये कार्सिनोजेनिसिटी का प्रोसेस कहलाता है और ऐसे ड्रग को हम कहते हैं कार्सिनोजन। अब ये भी समझ लीजिए लगे हाथों कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैंसर, ये किसको जनरेट करते हैं? ये कैंसर जनरेट करते हैं। तो मीनिंग ऑफ कैंसर क्या हुआ? हमारी बॉडी के जो सेल हैं वो एक कंट्रोल्ड ग्रोथ मैनर में बढ़ते रहते हैं, डेवलपमेंट करते रहते हैं और कुछ देर बाद जब उनका ग्रोथ को ऑप्टिमम लेवल पहुंच जाता है, हमारी बॉडी इनको ग्रोथ को कंट्रोल करना शुरू करती है, रोक देती है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। कभी कभी जब ऐसे ही आपके कार्सिनोजन आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, चाहे ये सोर्स आपके डिफरेंट टाइप के फास्ट फूड से हो, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से हो, हैवी मेटल्स की वजह से हो, या फिर जेनेटिक रीजन इसका कुछ भी और रहा हो, तो इनकी वजह से ये जो सेल है वो अनकंट्रोल्ड और एक्सेसिव मैनर में ग्रोथ करने लग जाते हैं। तो यही जो ग्रोथ है वही आगे जाकर के कैंसर या ट्यूमर के रूप में ले सकता है। अलग अलग टाइप हो सकते हैं इसके, इनके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। तो ये है हमारा ऐसा एजेंट जो कि कैंसर को कॉज कर सकता है। मुख्य रूप से हम बात करते हैं तो आज की जो लाइफस्टाइल में डाइट का इन्वॉल्वमेंट है, जो आपके फास्ट फूड हैं और ये जिस तरह के कोल्ड ड्रिंक है या फिर अदर तरह के बेवरेज हैं, ये एक मेन कारण हो सकते हैं। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।